हजरत इमाम हुसैन बहुत बड़े इबादत गुजार थे। वह रात भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे, दिन में वह इलाके में रह रहे गरीबों की मदद करते थे, उनके हमदर्द बनते थे, उनकी खुशियों में शरीक होते थे और खुशियां बांटते थे। बाकी वक्त वह इस्लाम के प्रचार में निकालते थे। उनका एक ही मकसद था कि लोगों की भलाई की जाए और इस्लाम को पूरी धरती पर फैलाया जाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के प्रचार प्रसार में गुजार दी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे हसन और हुसैन के बारे में कहते थे कि मेरे लिए हसन और हुसैन दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला को समाज से प्यार था और लोगों से प्यार था। वह यजीद की इस डर की राजनीति को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यजीद डरा धमका कर राजनीति कर रहा था और वह गलत काम भी करता था। लोग भी आप हजरत इमाम हुसैन के समर्थन में थे। यजीद को जब इस बात का एहसास हुआ कि लोग आपके समर्थन में हैं, उसने सोचा कि अगर हजरत इमाम हुसैन भी उसका समर्थन करेंगे तो लोग भी उसका यानी यजीद का समर्थन करेंगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की हर बात मानने से इनकार कर दिया था। यजीद ने फिर यह योजना बनाई कि जो उसकी बात नहीं मानेगा उसके खिलाफ जाएगा, वह उसे जान से मार देगा। हजरत इमाम हुसैन को भी वह मारना चाहता था। इस बात का अंदाजा आप हजरत इमाम हुसैन को हो गया था। जब हजरत इमाम हुसैन को मालूम चला कि यजीद उनको मारना चाहता है, तो उन्होंने अपने परिवार की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ने का फैसला किया और मक्का जाने का फैसला लिया। जब आप मदीना से मक्का के लिए जाने का सोच रहे थे, तब हज का महीना चल रहा था, यानी काफी लोग उस वक्त पवित्र शहर मक्का में हज के लिए जा रहे थे। आपने भी फैसला किया कि आप भी हज के लिए जाएंगे। बस यही सोचकर आप मदीना से मक्का के लिए निकल गए। जब आप मक्का पहुंचे तो उनको कूफा, जो कि उस वक्त इराक का एक शहर था, वहां से काफी लोगों का समर्थन मिल रहा था। आपको किसी ने खबर दी कि कूफा के लोग आपके समर्थन में हैं और यजीद के जुल्म को खत्म करने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हैं। आपको इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कूफा में उनके काफी समर्थक हैं। उन्होंने फिर मक्का से कूफा जाने के लिए फैसला किया, क्योंकि वो यजीद के जुल्म को खत्म करना चाहते थे और कूफा से आपके पास काफी खतूत आ रहे थे। कूफा के लोग कह रहे थे कि यजीद हम पर जुल्म कर रहा है, आप जल्द से जल्द कूफा आ जाइए, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। मक्का के कई लोगों ने आपको समझाया कि आप कूफा ना जाएं, वहां आपकी और आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन आपने बड़ी सूझबूझ से फैसला किया कि वह कूफा जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और यजीद के आतंक को खत्म करेंगे। यजीद को इस बात का पता चल गया था कि कूफा के लोग आप हजरत इमाम हुसैन के साथ हैं और उसके खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। ये सुनकर यजीद बहुत डर गया था। उसे ये डर हो गया था कि अगर सारे लोग हजरत इमाम हुसैन के साथ हो गए तो उसकी सत्ता जा सकती है। जब आप कूफा के लिए मक्का से रवाना हुए, तो यजीद ने अपनी सेना, जिनकी तादाद हजारों में थी, आपके पीछे लगा दी थी। इतनी भारी संख्या के आने का अंदाजा जब कूफा के लोगों को लगा तो बहुत से लोग डर गए और उन्होंने हजरत इमाम हुसैन का समर्थन करने से मना कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यजीद की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। ज्यादातर लोगों ने यजीद की ताकत और उसकी सेना के डर से आखिरी वक्त में इमाम हुसैन का साथ देने से इनकार कर दिया था। जब इस बात का पता हजरत इमाम हुसैन को लगा, तो उनको लग गया था कि यजीद अब उन्हें नहीं छोड़ेगा और उनकी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर भी कूफा की ओर बढ़ने की यात्रा जारी रखी। अब उनके साथ उनके परिवार के कुछ लोग और साथ में उनके कुछ समर्थक थे। यजीद की सेना आपको कूफा नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कूफा के रास्ते पर ही अपनी सेना लगा दी। इमाम हुसैन के काफिले को कूफा की जगह करबला की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया। करबला जो उस वक्त एक रेगिस्तान था, गर्म रेगिस्तान, जहाँ पर सिवाय बंजर जमीन के कुछ नहीं था। इमाम हुसैन और उनका काफिला, जिसमें कुल 72 लोग थे, जब मुहर्रम की 2 तारीख 61 हिजरी को करबला पहुंचे, तब यजीद की सेना भी वहां पर पहुंच गई। मुहर्रम की 7 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में मौजूद एक नहर फरात थी उस पर पहरा लगा दिया, ताकि हजरत इमाम हुसैन उनका काफिला पानी नहीं पी सके। अगर पानी पीने के लिए आए तो उन्हें उसी वक्त मार दिया जाए। इस तरह का एक कड़ा पहरा लगा दिया। हजरत इमाम हुसैन फिर भी यजीद की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। वह बिना पानी पिए और बिना खाना खाए अपना सफर करते रहे। करबला के रेगिस्तान की इतनी गर्मी में बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल था। बिना पानी के हजरत इमाम हुसैन के बच्चे प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि उनके पास न पानी बचा था और न ही खाना बचा था। बिना पानी और भूख के रहते हुए भी उन्हें 2 दिन हो गए थे।
इमाम हुसैन करबला में यजीद से लड़ना नहीं चाहते थे, वह बस अपने परिवार को वहां से निकालना चाहते थे ताकि वह किसी तरह से कूफा तक पहुंच जाएं। उनको पता था कि यजीद की सेना उनके पूरे परिवार को मारना चाहती है, इसलिए वह सेना के सामने नहीं जाना चाह रहे थे। मुहर्रम की 9 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में आपके काफिले पर हमला कर दिया। अब आप समझ गए थे कि उनका बचना मुश्किल है। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से एक रात की मोहलत मांगी ताकि आप मुहर्रम की 9 तारीख की रात अल्लाह की इबादत कर सकें और अल्लाह से अगले दिन जंग में फतेह हासिल करने की दुआ मांग सकें। यजीद की सेना उनकी इस बात को मान गई और उन्हें यानी हजरत इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत दे दी, क्योंकि यजीद की सेना को मालूम था कि ये लोग बिना पानी खाने के रह रहे हैं और एक रात में तो ये और कमजोर हो जाएंगे। एक रात की मोहलत मिलने के बाद हजरत इमाम हुसैन उनके परिवार और काफिले की रात भर अल्लाह की इबादत की और जंग में फतेह हासिल करने की दुआएं मांगी। अगले दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को जंग का ऐलान दोनों ओर से हुआ। जंग में हजरत इमाम हुसैन के समेत कुल 72 योद्धा यजीद की हजारों सेना के सामने युद्ध करने को तैयार थे। प्यास और भूख की हालत में भी आपके लोगों ने यजीद की हर बात को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह यजीद के सामने झुकने से ज्यादा शहीद होकर मरना पसंद करते थे। दोपहर में नमाज के बाद यजीद की सेना आपके काफिले पर हमला कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन समेत 72 योद्धाओं ने यजीदियों से डटकर मुकाबला किया। जंग में आपके सभी योद्धा शहीद हो चुके थे, तब अकेले इमाम हुसैन ही अकेले बचे थे। बाकी कुछ महिलाएं, जिनमें एक आपकी यानी हजरत इमाम हुसैन की बीबी थी, वह तंबू में थी। तभी अचानक उनको अपने 6 महीने के बेटे अली असगर की आवाज सुनाई दी, जो कि 3 दिन से प्यासे थे और तड़प रहे थे। उनका बेटा भूख और प्यास से बेहाल था। उनकी माँ भी 3 दिन से भूखी प्यासी थी, जिसकी वजह से दूध भी नहीं पिला पा रही थी। आप हजरत इमाम हुसैन को अपने बेटे की वह हालत देखी नहीं गई और वह उसे अपने हाथों में उठाकर करबला मिले गए। उन्होंने यजीद की सेना को अपने बेटे को थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया और आपके बेटे के ऊपर तीर से वार कर दिया, जिससे आपके बेटे की उसी वक्त मौत हो गई और वह शहीद हो गए। उसके बाद यजीद की सेना ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। उनका घोड़ा, जिसका नाम जुलजना था, वह तंबू में आया। उसके जिस्म पर खून के निशान थे, वह जख्मी था। तंबू में आते ही वहां मौजूद महिलाएं समझ गई थीं कि हजरत इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। हजरत इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनके घोड़े जुलजना के साथ क्या हुआ, उसका कोई जिक्र या उसका कोई सबूत किताबों में नहीं है। यजीदियों ने तलवार से आपका सर मुबारक काट कर गली मोहल्लों में घुमाया था। उनका जुलूस निकाला गया। ये देख कर हर किसी की आंख में आंसू थे, सिवाय यजीदियों के। खैर, इमाम हुसैन की शहादत को इस्लाम कभी नहीं भुला सकता। इनकी याद में मुहर्रम के महीने में लोग नियाज़े फातहा करते हैं और उनके बयान करते हैं। उनके परिवार की कुर्बानी को याद किया जाता है। हमें भी चाहिए कि मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद करें, मुहर्रमों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और 9 और 10 तारीख को रोजा रखें और इमाम हुसैन की शहादत को याद करें। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आसानी से मिल सके।